कोरोना महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार कई फैसले ले रही है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने प्रदेश में महामारी के दौरान नागरिकों की मदद के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसी कड़ी में शनिवार को सीएम योगी ने कोविड 19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। योगी सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार निःशुल्क करवाएगी। सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोविड से मृत्यु की दशा में निःशुल्क अंतिम संस्कार होगा। यह आदेश नगर निगम सीमा में लागू होगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास मनोज सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान गृह और कब्रिस्तान में निःशुल्क अंतिम संस्कार कराया जाएगा। उन्होंने बताया है कि नगर निगम का मूल कर्तव्य है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कोविड 19 के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कोरोना वायरस से मृत्यु हुई लोगों का निःशुल्क अंतिम संस्कार करवाएं। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करना होगा। बता दें कि इस प्रक्रिया में होने वाला खर्च नागरीय निकाय अपने स्रोतों से या फिर राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध कराई गई धनराशि से होगा। एक पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार में अधिक से अधिक 5,000 रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 28,076 नए मामले सामने आए, वहीं कुल 372 मरीजों की मौत हो गई है। यूपी में अब तक कुल 4,25,649 टेस्ट हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 2,41,403 टेस्ट हुए। कोविड की शुरुआत से अब तक यूपी में कुल 14,53,679 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।